ये है शिल प्रपा जी की पुष्प समाधि, यहीं से दिखता है टीओवीपी। अरे ये हमारे प्रभु जी, प्रभु जी बहुत ध्यान से माला कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं भक्ति चारू महाराज की समाधि पे, और अन्य जो समाधि है वो भी मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगी। चलिए, आसपास में इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, बहुत ही सुंदर है यहाँ के फ्लावर्स भी ना। प्रभु जी ने बताया था ये फुल ऑफ फेस्टिवल्स रहता है हमेशा। अभी हम सुबह सुबह आए हैं, तो अभी हमें वहाँ पर सब जगह दर्शन कर लिए। तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि अभी देखिए हर तरफ परिक्रमा ये सब चलता रहता है। आइए दिखाती हूँ मैं आपको, हर समय पे यहाँ पे फेस्टिवल परिक्रमा चलती रहती है।
ऐसे गानों पर नाच रहे होते हैं। यहाँ पे मात्र हरिनाम हरिनाम और हरिनाम हरिनाम पे को भक्त जो है नृत्य कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रभु जी आज हमारा लास्ट डे, अब आज हम निकलेंगे यहाँ से। चलिए अभी हम चलते हैं रूम पर, और जैसे जैसे आगे जर्नी बढ़ेगी आप सभी के साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर पा रही हूँ। TOVP जो है अगले साल जो है इसका इनॉग्रेशन है, फर्स्ट मंगल आरती है, देख सकते हैं काफ़ी बन गया है, बहुत ब्यूटीफुल है। इस बार मैं अंदर नहीं जा पाई हूँ, बट नेक्स्ट टाइम। वैसे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, अब तो काफ़ी ज़्यादा बन गया है। चलिए अभी रूम पे चलते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे आपसे। हरे कृष्णा। अभी सारी की सारी जो पैकिंग हो चुकी है, अभी हम लगे महाप्रसाद की लाइन में, दर्शन करके आ चुके हैं। राधिका किस लाइन में लगे हो? महाप्रसाद। अभी हम जो है गदा भवन में आ गए हैं, यहाँ पे जो है सभी प्रसाद पा रहे हैं। और ये रहे हमारे सत्या माता जी को, आपने देखा होगा ब्लॉग में, उसमें देखा होगा जो जरूर देखा होगा। यस, अभी माता जी, और ये हमारे जो है मैं मतलब सुमन माता जी हैं, तो प्रसाद लेने जा रहे हैं अभी सभी। और सब आज सभी डिवोटीज जो हैं वो लीव कर देंगे श्रीधाम माया को आफ्टरनून में। भी माता जी जा रही है वापस अपने घर दिल्ली। बहुत दुख हो रहा है, लग भी रही आपको सभी छेड़ जाएंगे। यस सॉरी मैम। और मैं जाऊंगी, मैं खुश हूँ, थोड़ी सी खुश हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ हरी वो सही जगह, क्योंकि हम बहुत जल्दी मिलेंगे फिर से। इधर आ जाओ, मुँह काले काले आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी मिलेंगे महाप्रभु से। और ये प्रार्थना करते हुए जाएंगे कि हमें महाप्रभु फिर से दोबारा जल्दी मिलाए। माता जी ने परिक्रमा करी है पैदल पूरी माता जी की कृपा है। महाप्रभु की कृपा से हो गया, शिव कृपा जी की कृपा से हो गया। चलिए साथ लेते हैं, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही खुश हो गया हम लोग, रोने में लग गए हम। नहीं नहीं नहीं, आप स्माइल कर रहे हैं। हरी बोल। मैं आप गदा भवन का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। डिवोटीज प्रसाद ले रहे हैं, परिक्रमा से आ गए हैं। माता जी यू आर फ्रॉम विच कंट्री? माता जी इज फ्रॉम मॉस्को। वेरी नाइस। तो महामिलन ऑफ दही और है साथ में बेल का जूस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बट मैं दही अभी नहीं पा रही हूँ, एंड ठंडी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं ले रही हूँ अभी। मैं एकदम ठीक हूँ फिर भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सही रहना है। चलिए मैं प्रसाद पा के आप सबको बता दूँ कैसा। लाइट सुपर डिलीशियस, मतलब चलो ज़्यादा
अभी जो है दोपहर का समय और अभी जाएंगे हम प्रसादम के लिए। प्रसादम के बाद जो है ना फिर हम निकल जाएंगे। एक डिवोटी और है जो कि हमारे साथ जाएंगे पूरी, तो देखते हैं अभी कैसे कैसे जर्नी रहता है। मैं अभी जा रही हूँ प्रभु जी के पास। गौरांग मार्केट जाएंगे क्योंकि चाबियाँ देनी हैं वापस। हमारे जो रूम चेकआउट कर दिया है, और मैं ना इस बार रूम का वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई, जबकि इतना अच्छा रूम था। तो कोई बात नहीं, मैं नाम बता दूँगी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। राधिका कहाँ गए? प्रसादम लेंगी गदा भवन में, क्योंकि सबसे बेस्ट प्रसादम होता है वहाँ पे। तो चलिए, हरे कृष्णा। आज हम जाएंगे कोलकाता भी जाएंगे, कोलकाता इस्कॉन भी जाएंगे, आसपास के जो एरिया उनको भी दर्शन करेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं अपने सफ़र पे आगे। राधिका आप जा रहे हैं वापस? हाँ जा रहे हो। औरंगा मार्केट में वो यहाँ से भी हम पकड़ेंगे टोटो। अभी एक भी टोटो नजर नहीं आ रहा। टोटो मीन्स यहाँ पे बोलते हैं ई रिक्शा। और अभी ई रिक्शा जो है ढूंढ रहे हैं, और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा है ना राधिका? पूरी जाना है इसलिए थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो अगर डायरेक्टली घर जाना होता है ना तो फिर तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। चलो ये कह जाती हूँ, अब चलो बस यही कमी रहेगी तो कुछ गिराना। तो अभी हमने जो है प्रणाम अर्पित किया, और प्रभु जी ने को छोड़ने से पहले हमें जो है प्रणाम अर्पित करना चाहिए, और जितना भी जो भी हमें धाम का जो भी फल प्राप्त हो, क्रेडिट हो, वो हम अपने गुरुदेव को देते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं। चलिए अभी हम जा रहे हैं मायापुर से वापस। हरी हरी चलिए। राधिका बैठ गए हो? चलिए अभी आगे का जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। हम छोड़ दिए हैं, प्रसादम ले लिया है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इस रास्ते से, पहले मैं हमेशा उस साइड से गई हूँ। तारनपुर घाट, सारे के सारे बाइक, साइकिलें, टोटो, देखो सब चढ़ा दिए। सब कुछ जाएगा ना, पता भी नहीं। 2-3 मिनट्स में चलिए, अभी उतरने का समय हो चुका है, उतरते हैं। 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचे जाएंगे। बार्गेनिंग चल रही है, खत्म होगी लगता है। अभी जो है हम जा रहे हैं आगे कृष्णा नगर, और वहाँ से हम पकड़ेंगे हमारी ट्रेन। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी है पर इतनी भी नहीं कि शहर ना हो, ठीक है मौसम। पूरा दुनिया बदल दिया। नहीं पैर में दर्द जाते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सियालदा, और यहाँ की फेमस टैक्सी येलो टैक्सी।
माता जी कैसा लगा आपको? बहुत अलग एक्सपीरियंस था ये। बाद में शेयर करेंगे हरे कृष्ण। कुछ चीज़ें कैमरे के पीछे, इतना धक्का पड़ा है ना, लेकिन हाँ टाइम सेव हुआ लोकल से आने से। हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हमारे मुँह पे मजा आएगा, हमारे मुँह ऐसे ही रहते हैं, हम थक जाएँ कितने भी तब भी हमारा मुँह अच्छा। क्या बोले बात प्रभुपाद में के जो डिसाइपल्स थे वो बोले कि हम तो वैष्णव है, हमको वो नहीं करना चाहिए, तो लैंड छोड़ दे रहे थे गिरिराज महाराज वगैरह। अभी हम आ चुके हैं कोलकाता इस्कॉन में, एंट्री हो चुकी है, सामान रख दिया है वहाँ पे गोविंदास में। अभी जा रहे हैं दर्शन करने, बस अभी हाथ ही धोया, मुँह भी नहीं धोया, इसलिए मुँह एज इट इज लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं।